अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ हसन एंड यू आर वॉचिंग एम हसन टेक्निकल। सो फ्रेंड, टुडे वी विल टेल यू हाउ यू कैन रिमूव द फ्रंट एसी वेंट एंड बैक एसी वेंट ऑफ ओशान X7। इफ़ यू स्किप द वीडियो यू विल अंडरस्टैंड द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज X7 ओशान। सो नाउ वी रिप्लेस्ड सेंट्रल कवर असेंबली। एज़ यू कैन सी इट, वी डिसमेंटल क्लस्टर असेंबली। इशू एग्जिस्ट सेंटर कवर असेंबली नॉट बी फिक्स प्रॉपरली फिक्स। एसी पैनल इज प्रॉपरली रिमूव। वी डिसमेंटल रियर सेंटर कवर असेंबली आल्सो कॉल्ड एसी वेंट। एज यू कैन सी इट, now we dismantle the main system and also called an infotainment system. And you can see this is infotainment system of 7 Ushan. We dismantle HMS system almost complete. Yeah. Friend, ये देखें जरा, ये वेंट रिमूव करने के लिए हमें ये सारा इंटीरियर वाइज सारा कुछ खोलना पड़ेगा। चूरमन क्लस्टर के कवर भी खोलने पड़ने हमें सारे प्रॉपरली सारे। एंड देखिए, हमने डैशबोर्ड सारा खोल लिया। वेंट खोलने के लिए हमें पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ता है। फ्रंट वेंट खोलने के लिए प्रॉपरली हमने सारा खोल लिया। फिटिंग भी बताएंगे आगे आपको, फिटिंग किस तरह करते हैं डैशबोर्ड। ये देखिए, हमने प्रॉपरली सारा खोल लिया इसको। इसके यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं, ये देख सकते हैं आप। स्क्रू लगे होते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। ये हमने प्रॉपरली खोल लिया। फ्रेंड्स, एसी वेंट चेंज कर रहे हैं हम। ये देखें जरा, ये बिल्कुल नई एसी वेंट है। चेंज करेंगे इसको अब हम। तो फ्रेंड, हमने गाड़ी के अंदर प्रॉपरली फिट कर लिया एसी वेंट, न्यू बिल्कुल फिट कर लिया। स्क्रू भी लगा लिए हैं सारे। इसको आप डैशबोर्ड के अंदर फिटिंग करके इसके एयर वेंट्स लगाते हैं। देखें कस्टमर ने क्यों ये चेंज करवाई है। तो फ्रेंड, ये इसकी ये देखिए, एयर वेंट्स के अंदर प्ले आ गई थी हल्की सी, जो एयर देने में मसला कर रही थी, इस वजह से ये चेंज हुई है वेंट। इसकी ख़राब हो गई थी ये वाली वेंट, इस वजह से कस्टमर ने चेंज करवाई। तो फ्रेंड्स, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे इसका डैशबोर्ड आप किस तरह आसान तरीके से फिट कर सकते हैं प्रॉपरली।
फिटिंग कर रहे हैं देखें। नेक्स्ट पॉइंट भी हम तो फ्रेंड्स हमने सारी प्रॉपरली फिटिंग कर ली है। देखें डैशबोर्ड की देख सकते हैं आप, कंसोल वगैरह सारा हमने वेंट वगैरह बिठा ली है। हमने एक फ्रंट वाली चेंज की थी, ये वाली वेंट, जिसके लिए हमें पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ा। एक हमने बैक वाली चेंज की है, ये ऐसे चेंज हो जाती है, ये देखें ज़रा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल है मैं सन टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।